नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं मनोहर राजपुरोहित आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आजकल एक बहुत बड़ी महामारी, एक पेंडेमिक डिजीज जो है वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। और उस पर अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, ये सारी कुछ पड़ी है। तो इन खबरों, इन सूचनाओं और जानकारियों में खूब सारी अफवाह भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक वीडियो जो है वो बनाऊं और अपने यूट्यूब पर डालूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी सही रूप में पहुँचे। क्योंकि अफवाहें और गलत जानकारी विनाश की तरफ ले जाती है इंसान को, और उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। COVID-19, आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं इस शब्द से। COVID-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई वायरस नहीं है, ये उस बीमारी का नाम है, उस डिजीज का नाम है जिसका फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज 2019 रखा गया है। जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उस वायरस का एक्चुअल डायग्राम है। तो इस विषय पर बात करने से पहले मुझे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, बलवान अपि शक्तोषो, धनवान अपि निर्धना, श्रुतवान अपि मूर्खोषो, यो धर्म विमुखो जन। अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति बलवान होकर भी निर्बल है, धनवान होकर भी निर्धन है, तथा ज्ञानी या शिक्षित होकर भी मूर्ख होता है। इसीलिए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करें, घरों में रहें, इस लॉकडाउन को सफल बनाएं। सबसे पहले दुनिया में अभी जो कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। तो आज की डेट यानी 5 अप्रैल को 12 लाख मीन्स 1.2 मिलियन केसेस जो है वो अभी तक हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें 64,743 डेथ हो चुकी है और 2,46,753 लोग जो है वो इससे रिकवर भी हो चुके हैं। तो दुनिया में USA जो है वो टॉप पर है अभी इस महामारी को लेकर। वहाँ पर मोर देन 3 लाख केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और डेथ जो रजिस्टर्ड हुई है वो 8,454 हुई है। डेथ के मामले में इटली जो है वो सबसे आगे चल रहा है 15,362 डेथ के साथ। अप्रोक्स अगर अपन देखें तो जो टोटल डेथ हुई है अप्रोक्स 60,000 to 65,000-70,000 के करीब, उनका 25% तो अकेले इटली की अंदर ये सारी डेथ हुई है। और जो टोटल केसेस है उन टोटल केसेस का अप्रोक्स 40% या ऐसा कह लीजिए आप 30-40% जो है वो अकेले USA में रजिस्टर्ड हुए। तो ये जो दो महाशक्तियां हैं, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी इस महामारी से ये हाल है। तो सोच ही सकते हैं अपन कि ये कितनी भयंकर है, ये कितनी भयानक है। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें USA, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ईरान, UK, टर्की, स्विट्ज़रलैंड एंड बेल्जियम जो है उनके फिगर्स दिए हुए हैं। तो इंडिया में अभी तक जो मेरे पास जो लेटेस्ट है, आप लोग भी इस वेबसाइट के साथ कंटिन्यू जो है वो अपडेटेड होंगे, 3,000 इंडिया में 3,671 केसेज जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और डेथ की जो है वो सेंचुरी कंप्लीट होने में एक नंबर अभी बाकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हुए हैं। तमिलनाडु, दिल्ली और केरला ये भी टॉप पर यानी अबाउट 300 चल रहे हैं। राजस्थान जो है, हमारा राजस्थान, उसने आज डबल सेंचुरी कंप्लीट की है इस पर और एक यहाँ पर डेथ जो है वो शो हो रही है। कोरोना पेशेंट जो है वो दूसरी किसी डिजीज़ की वजह से, हार्ट फेल है या हाई BP है या अदर किसी डिजीज़ की वजह से भी उसकी डेथ हो रही है, उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो COVID-19 फुल फॉर्म कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज 2019, ये डिजीज का नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2, यानी ये जो है ये वो वायरस है जो ये डिजीज फैलाता है। इस वायरस का भी फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना है, ये पहले से ही इस टाइप के वायरसेस और इनके इन्फेक्शंस जो है वो होते आ रहे हैं। अब इस डिजीज का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन इसका एनिमल है, जानवरों से सबसे पहले ये डिजीज़ जो है वो फैली है चाइना के। अभी तक की जो अपडेट्स, जो न्यूज़ है, जो फिगर्स है, जो WHO की वेबसाइट्स पर है, जो लाइव साइंस पर है, इसके बिहाफ पर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस बता रहा हूँ। इनमें जो इबोला है, HIV है, SARS है, MERS है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये इसी टाइप की डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन से फैलती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उसके पीछे कारण ये है कि ये जो बाकी डिजीज़ है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से फैलने वाली होती है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है वो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, एयर टू एयर, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर रिलीज होते हैं उनसे भी फैल सकता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है। आप लोगों को कई सारे र्यूमर्स, कई सारी अफवाहें इसके बारे में सुनी होगी कि इसके सोर्स क्या क्या है, लेकिन मैं आपको आज फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस बीमारी के सोर्स क्या हैं। तो इसके मेनली जो तीन सोर्स हैं उसमें सबसे पहला है वेट मार्केट, यानी चाइना और ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जानवरों को, एनिमल्स को मार के उनका एक मार्केट तैयार किया जाता है जहां पर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, ऐसे मार्केट को वेट मार्केट कहते हैं। उन वेट मार्केट से ये वायरस, जो मेनली जहां तक बताया जाता है कि बैट और पेंगुलिन जानवर यानी एनिमल से इंसानों तक फैला है। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के बहुत ज़्यादा कट होने से जो जानवर वहाँ जंगलों में रहते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो इंसान के सीधे, ह्यूमन बीइंग के सीधे कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए ये वायरस सीधे इंसान में फैलना भी स्टार्ट हो गया था। और तीसरा और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट नॉट इक्वल टू एनवायरमेंट। आजकल की दुनिया डेवलपमेंट 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 के पीछे भागती जा रही है, लेकिन एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ बैलेंस नहीं कर पा रही है, ये उसके ही दुष्परिणाम हैं। अब देखते हैं कोरोना वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये एक राउंड और इलेप्टिकल शेप का वायरस होता है, जिसके ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह के ऐसे स्पाइक्स होते हैं जिसको अपन प्रोटीन के स्पाइक्स बोलते हैं। ये जो स्पाइक्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये हेल्प करते हैं इस वायरस को ह्यूमन बॉडी की जो फ्रेश और हेल्दी सेल्स होती है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। इनके थ्रू ये वायरस उन सेल्स के अंदर एंटर करता है। इस वायरस का डायमीटर जो है वो अप्रोक्सली 60 to 140 नैनोमीटर जो है वो देखा गया है। तो 60 to 140 नैनोमीटर, नैनोमीटर इन द सेंस 10 to the power -9 meter। इट इज सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड हीट। तो ये भी पाया गया है कि ये अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज और हीट से सेंसिटिव है, उससे कुछ हद तक इसके ऊपर की जो फैट लेयर है वो डैमेज हो जाती है और इसका RNA, इसका DNA जो है वो खत्म होने लगता है। इनएक्टिवेटेड बाय लिपिड सॉल्वेंट इंक्लूडिंग ईथर, एथेनॉल एंड क्लोरीन। ये जो है इनसे ये वायरस जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। यानी आप लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं कि सैनिटाइज़र या जो हैंड वॉश होता है आपका, उससे इसको ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें सैनिटाइज़र अगर वो है तो उसमें अबाउ 70 to 75% एथेनॉल यानी अल्कोहल होना चाहिए, और हैंड वॉश जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा पोटेशियम की होनी चाहिए, तो वो इस वायरस को धो, इसके DNA को और इसको ख़त्म कर सकता है। तो इस महामारी के, इस पेंडेमिक डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, तो वैसे आप सब लोगों को अच्छे से पता होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अवेयरनेस इस पर जो है वो फैलाई है। देखते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरल इन्फेक्शन, यानी ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके श्वसन तंत्र में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें इंक्लूडिंग माइल्ड फीवर हो सकता है आपको, कॉफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, नेजल कंजक्शन, मेलीज, हेडेक एंड मसल पेन, ये सारी चीज़ें, यानी आपके नाक का बंद होना, गले में खराश होना, आप
आपका अस्वस्थ होना, आपका सर दर्द करना, आपके मांसपेशियों में दर्द होना, ये खांसी, सूखी खांसी जो है, ये सारे इसके लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन डिस्क्राइब द टाइनी मॉलिक्यूलर की ऑन SARS-CoV-2 दैट गिव्स द वायरस एंट्री इन द सेल। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने ये बताया है, जो डिस्क्राइब किया है कि ये जो सेल्स के ऊपर ये जो वायरस है, इस वायरस के ऊपर जो छोटे छोटे ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से स्पाइक की फॉर्म में, ये जो है ये इसको एंटर करवाने के लिए, इसकी एंट्री के लिए सेल्स में इसको हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई WHO डिक्लेयर्स इट अ पेंडेमिक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक डिजीज क्यों डिक्लेयर किया, उसके पीछे भी एक रीजन है। तो उससे पहले अपन जान लेते हैं कि पेंडेमिक क्या होता है और इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है। तो यहाँ पर किसी भी डिजीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तीन में से किसी एक कैटेगरी में उसको रखा जाता है, वो उसकी सिम्टम्स या उसका फैलाव जो है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है अपने पास वो है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन एरिया ऑल ईयर अराउंड, ये पूरे साल तक और सभी एरियों के अंदर ये लगभग जो है वो पाई जाती है। इसका दूसरी ये भी कह सकते हैं आप कि ऑल द टाइम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये साल में कुछ टाइम आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं उसमें चिकन पॉक्स है और मलेरिया है, ये इस एंडेमिक डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी डिजीज को अपन एंडेमिक कहते हैं। दूसरा जो है वर्ड दैट इज एपिडेमिक। तो एपिडेमिक क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। व्हेन वी सी एन इंक्रीज ऑफ केसेस, इसके अंदर धीरे धीरे केस बढ़ने लगते हैं, पीक वैल्यू तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे डिक्रीज भी होने लगते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्लू, यानी हर साल जो फ्लू आता है वो इस एपिडेमिक के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा और लास्ट जिसको WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, तो ये पेंडेमिक क्यों है, क्योंकि दैट हैपन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर पूरी दुनिया के हर कोने में ये फैल चुकी है, इसलिए इसको पेंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया है। एंड इट सस्टेन इन द प्लेसेज दैट इट रीचेज, और ये केवल इंसान से इंसान में डायरेक्ट नहीं फैलकर, ह्यूमन बींग में डायरेक्ट जो है वो नहीं फैलकर भी, ये जगहों पर, ये ऐसे स्थानों पर भी रह सकती है, जैसे कि आपकी टेबल है, आपका गेट है, या कोई मेटल सरफेस, प्लास्टिक सरफेस, कहीं पर भी जहां पर इसके कॉन्टेक्ट में जैसे ही कोई ह्यूमन बींग, जैसे ही कोई इंसान आएगा, ये वायरस उसके अंदर एंटर कर जाएगा। इसीलिए इसकी भयानकता को, इसकी डेंजरसनेस को देखते हुए WHO ने इसे पेंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट अपने पास है, हाउ विल द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड, यानी ये कोरोना वायरस का जो ये आउटब्रेक है, यानी ये एंड कैसे होगी, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन इनफ पीपल डेवलप इम्यूनिटी आइदर थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जब ज्यादातर लोग या पर्याप्त मात्रा में लोग अपनी इम्यूनिटी इस वायरस को डिफीट करने के अकॉर्डिंग, इस वायरस को डिफीट करने के लिए इम्प्रूव कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तब कहीं जाकर ये इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, तब कहीं जाकर ये इन्फेक्शन जो है ये ख़त्म होगा, नहीं तो इसके चांसेस जो है वो बिना किसी रीजन के नहीं है। दूसरा, पेंडेमिक एंड्स व्हेन द वायरस डजंट हैव इनफ ससेप्टिबल पीपल टू इन्फेक्ट, यानी ये इस टाइप के वायरस जो है वो और कैसे ख़त्म हो सकते हैं, जब उनके द्वारा इन्फेक्ट किए गए लोग अब ज़्यादा नहीं बचे हो, वो ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हो, या तो उनमें से काफ़ी हद तक लोग ठीक हो चुके हो, या उनमें से काफ़ी हद तक लोगों की डेथ हो चुकी हो, इस केस में भी ये धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। और तीसरा और लास्ट जिसको रामबाण आप बोल सकते हो कि वैक्सीन इज द ओनली वे टू इरेडिकेट इट, केवल वैक्सीन बनने पर ही ये खत्म होगा। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसके ऊपर भी ये कयास लगा रही है कि ये शायद गर्मी बढ़ने से या ज़्यादा टेम्परेचर से भी ये ख़त्म हो सकता है, तो उसमें अभी कुछ कन्फर्मली कहा नहीं जा सकता है। कोरोना वायरस डिजीज 2019 के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे ये देखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए चलते हैं अपन पॉइंट बाय पॉइंट कि इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट जो है वो ग्लोबल ऑर्डर कुड सी मेजर चेंजेस,
यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसके बाद में बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब वो बहुत बड़े चेंजेस जो है वो किस तरीके के होंगे उसके लिए देखते हैं। और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली 15 कंट्रीज में से एक है। इस महामारी के कारण, इस पेंडेमिक डिजीज़ के कारण इंडिया को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, या चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। तीसरा है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII सेड इंडिया वुड रिक्वायर 6 मंथ टू स्टोर और टू रीस्टोर नॉर्मलेसी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, कि इंडिया जो है उसको कम से कम 6 मंथ लगेंगे अपने सारी बिजनेस और इनको रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास है ग्लोबल रिसेशन सीम्स इनएविटेबल, यानी ग्लोबल रिसेशन जो है वो जरूर आएगा, उसको आप नहीं रोक पाओगे। और आर्थिक मंदी जो 2008 में आई थी उससे भी ज़्यादा भयंकर मंदी आने की पूर्ण आशंका है। और उससे सबसे बड़ी बात जो है वो कि USA इज नो लॉन्गर द ग्लोबल पावर दैट इट वंस वॉज, यानी ग्लोबल पावर अब USA नहीं रहेगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मोर देन 3 लाख केसेज वहां पर हो चुके हैं एंड 8 to 10,000 पीपल्स जो है वो मर चुके हैं, 8 to 10,000 पीपल्स वर डिसेज्ड। तो इसीलिए अब USA और काफ़ी सारी इकोनॉमी जो है उसकी उसके अंदर चली गई है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी वीक होता जा रहा है USA। मिस्टर प्रेसिडेंट जो है उनकी कुछ कई सारी पॉलिसीज जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कई ट्रेड वॉर्स भी है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं किन किन कंट्रीज के साथ उनका है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है के कारण। और क्या इम्पैक्ट होगा वो है चाइना और रसिया बिकम ग्लोबल लीडर। इसकी फुल पॉसिबिलिटी है कि चाइना और रसिया ने काफ़ी हद तक अपने यहाँ इस पेंडेमिक डिजीज को कंट्रोल कर दिया है, इसको अब उनके ग्लोबल लीडर बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज है। अगला पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन रिजल्टिंग सीरियस एंग्जाइटी एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, आइसोलेशन के कारण लोगों में सीरियस एंग्जाइटी बढ़ेगी और मेंटल प्रॉब्लम बढ़ने के भी बहुत आसार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाए जा रहे हैं। यानी लोग जो इतने दिनों तक घर में रह रह के उनके अंदर मानसिक रूप से तनाव, स्ट्रेस डेवलप होने की आशंकाएँ हैं। इन इक्वलिटी इन इनकम्स, इस रेसेशन के कारण, इस पेंडेमिक डिजीज के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर पूरी दुनिया में ही लोगों की जॉब्स जो है वो चली जाएगी। आप लोग रोज न्यूज़पेपर में फिगर पढ़ते होंगे कि 2 to 3 करोड़ लोगों की जॉब जो है वो चली जाएगी, इसलिए लोगों के पास कमाई का सोर्स यानी इनकम सोर्स नहीं बचेगा। और उनकी इन इक्वलिटी ऑफ इनकम यानी समाज में जो लोग हैं उनमें इनकम का जो रेशियो है एक दूसरे में वो इक्वल नहीं रखकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, यानी अमीर लोग जो है वो और ज़्यादा अमीर और गरीब का और ज़्यादा गरीब होना। माइग्रेंट लेबर अनेबल टू फाइंड न्यू जॉब, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए नई जॉब मिलने की आशंका, संभावना, पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत कम रह जाएगी। डिजिटल फैक्टर जो है वो बढ़ेगा, यानी डिजिटलाइजेशन जो है वो हर चीज का वो इसमें इम्प्रूव होगा। ये एक अच्छी खबर है इस COVID-19 के बाद। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो हमारी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अब काफ़ी हद तक सारी गवर्नमेंट्स और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्ल्ड वाइड ये पता चल चुका है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी पानी में है और कितनी पानी से बाहर। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट्स वो भी अपने अपने एफर्ट्स जो है वो डालेगी। और सबसे जो बढ़िया, अच्छा और खूबसूरत इसका इम्पैक्ट है वो है नेचर रिस्टोर इट्सेल्फ, प्रकृति जो है वो अपने आप को रिस्टोर करेगी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और नदियाँ जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, रिवर्स जो है वो क्लीन हो चुकी है। तो नेचर जो है वो रिस्टोर कर चुकी है काफ़ी हद तक, और भी ज़्यादा रिस्टोर करेगी। तो जब आप लॉकडाउन के बाद बाहर आएंगे तो आपको एक नई फ्रेश और एक हेल्दी एनवायरमेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, धन्यवाद आप सभी का। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अफवाहों से बचिए। धन्यवाद।